जय हिंद दोस्तों, तीन अमेजिंग दिलचस्प फैक्ट्स के साथ फिर इस वीडियो में प्रस्तुत हूँ, जिन तीन दिलचस्प सवालों के आसान जवाब सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे और पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल के जवाब पर भी बात करेंगे। आज का पहला सवाल, अगर अंतरिक्ष से 1 किलो का पत्थर पृथ्वी पर गिरे तो क्या होगा? दूसरा, क्या हिरासत में जहरीला होता है? अगर होता है तो क्यों, नहीं तो क्यों इसके जहरीले होने की बात कही जाती है? तीसरा, सर्जन यानी चिरफाड़ करने वाला डॉक्टर ऑपरेशन करते समय हरे रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं? आइए पहले दिलचस्प सवाल का जवाब सुनते हैं। अगर 1 किलो का पत्थर अंतरिक्ष से पृथ्वी पर गिराया जाए तो वे पृथ्वी पर नहीं गिरेगा। यदि मान लिया जाए कि वे पृथ्वी पर गिरता है तो क्या होगा? इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब भी कोई उल्कापिंड या स्ट्राइड पृथ्वी के निकट से गुजरता है तो दुनिया की तमाम एजेंसियां हरकत में आ जाती हैं और उस पर गहन अध्ययन शुरू कर देती हैं और उसे रोकने का प्रयास करती हैं। तमिलनाडु की एक घटना है। तमिलनाडु के वेल्लोर शहर के इंजीनियरिंग कॉलेज में एक छोटा सा उल्कापिंड गिरहमा का इतना तेज था कि पास खड़े एक ड्राइवर की मौत हो गई है। बगल में ही एक बस खड़ी थी जिसके शीशे चूर चूर हो गया था। जिस स्थान पर गिरा था उस स्थान पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। दरअसल उल्का में पिंड एक पत्थर ही होते हैं। जब ये पृथ्वी पर गिरते हैं तो इनका वेग यानी चाल बहुत तेज होता है तथा हवा के घर्षण के कारण में इनमें आग लग जाती है। जब ये पृथ्वी पर गिरते हैं तो जिस स्थान पर गिरते हैं तो उस स्थान पर बहुत बड़ी खाई बन जाती है और आसपास की वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं। क्या हीरा असलियत में जहरीला होता है? आइए समझते हैं। चाटने से मौत की बात बिल्कुल सच है, लेकिन मौत का कारण अलग है। दरअसल हमने टीवी में और पुरानी फिल्मों में ऐसा देखा है, किंतु उसमें पूरी बात नहीं बताई जाती है। पहले के जमाने में जो लोग जासूसी करने जाते थे, वे अपने अंगूठी में लगे हीरे पर साइनाइड जहर लगाकर रखते थे, जिससे वे अगर पकड़े जाते हैं तो चाट लेते थे और उनकी तुरंत मौत हो जाती थी। इससे दुश्मन के हाथ लगने से पहले उनकी मौत हो जाती थी और दुश्मन को उनकी जानकारी नहीं पता लगती थी। तीसरा यानी अंतिम दिलचस्प अमेजिंग फैक्ट आप सबके लिए यह रहा स्क्रीन पर। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप सब जरूर दें। नहीं पता तो अगले वीडियो तक इंतजार करें। जरूर इसका जवाब लॉजिकल और साइंटिफिक तरीके से रखूंगा। क्या आपको इसी तरह और अमेजिंग फैक्ट्स जानना चाहते हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्त।